गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आज मेरा डे 3 जैसलमेर है। मेरे पीछे पूरे टेंट्स लगे हैं जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था। अभी हम कर रहे हैं चेकआउट। सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद करते हैं चेकआउट, और शाम को मेरी बस है उदयपुर के लिए, वहाँ जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, नेक्स्ट स्टॉप मेरा। अभी सुबह के 11 बजे हैं। अभी देखते दिन भर क्या कर सकते, शॉपिंग करना है या और कुछ करके दिखाता हूँ आपको मैं। फिलहाल के लिए करते हैं ब्रेकफास्ट और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी मैं हूँ जो कल मैंने हॉस्टेलर बुक किया था, ये वाला वहाँ पे। तो जो ये हॉस्टल वाले, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा लगेज आप थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए, क्योंकि लगेज लेके तो घूम नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे रखा है हमने लगेज जाते घूमने के लिए, बाद में जब वापस आएंगे फिर लगेज लेके निकलेंगे उदयपुर, बस पकड़ निकलेंगे। तो ट्रेन से आने के बाद मैं इधर आ गया था फोर्ट के पास, जैसलमेर फोर्ट, जहाँ पे थोड़ी बार शॉपिंग की फिर से। तो उसका शूट नहीं किया क्योंकि पिछले वीडियो में ऑलरेडी दिखा दिया था वैसा एयरपोर्ट का, इधर का बाजार, इधर का मार्केट। अभी मैं कैफ़े में आया हूँ जहाँ पे फोर्ट के पास ही है, ऐसा कुछ है कैफ़े। कैफ़े का नाम क्या भैया? कैफ़े प्लस करके ऐसी कुछ प्लेस है ये। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अभी लंच, देखते क्या क्या मिलता है यहाँ पे। ऐसा कुछ सुंदर सा कैफ़े है ये। 6 बजे बस है मेरी उदयपुर के लिए, तो थोड़ा टाइम पास करेंगे एक डेढ़ घंटा, फिर चलेंगे हॉस्टल जहाँ पे मैंने बैग्स रखवाए थे। बैग्स पिकअप करके जाते बस के लिए एयरफोर्स सर्कल करके कोई जगह है यहाँ पे चौराया, वहाँ से उदयपुर के लिए बस मिलती। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है कैफ़े का, प्लस कैफ़े करके कोई है। कल रात को नीचे से देख रहा था तो बहुत सारे फॉरेनर्स थे यहाँ पे। यहाँ से पूरा फोर्ट का व्यू आता है, देखो। अभी उदयपुर जाने का टाइम आ गया है। जैसलमेर घूम लिया अभी, बहुत शॉपिंग भी बहुत कर ली, बैग का वजन भी बहुत बढ़ गया भाई। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, एक बस स्टॉप है यहाँ पे कोई एयरफोर्स सर्कल करके, जहाँ से उदयपुर के लिए बस जाती है। शाम के 6 बजे की बस है, अभी 5:30 बजे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ बस के लिए, बीच में कहाँ पे रुकती पता नहीं अभी। इसकी टिकट मुझे स्लीपर बस की टिकट है, स्लीपर बस है सॉरी, ये AC, कुछ 900 रुपये पड़े मुझे एक टिकट के। और ये उदयपुर को पहुँचाएंगी सुबह 5 बजे, मतलब 11 घंटे लगाएंगी ये। उदयपुर में मेरा 2 नाइट्स का स्टे है, एक नाइट में एक्सटेंड कर सकता हूँ। और वहाँ पे एक मैंने एक शलोम बैकपैकर हॉस्टल करके उसमें एक प्राइवेट रूम बुक किया है, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अभी कि अर्ली चेक इन मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि चेक इन का टाइमिंग दोपहर के 12 बजे का है। तो मैं तो 5-6 बजे सुबह पहुँच जाऊँगा। अभी देखते हैं उसको, थोड़ा रिक्वेस्ट करके देखते। ये है वो हमारी बस जो लेके जाएंगे हमको उदयपुर, RS 16 हनुमान ट्रैवल्स। ये है टिकट, बैग डाल दिए भैया ने, तो चलते बस के अंदर। ये भाई हमारी बस, मस्त लाइटिंग लगे अंदर, ब्रिज हैंग। बजे रात के 12:30 और मैं हूँ जोधपुर से 1 घंटा आगे। जोधपुर हम पहुँच गए थे रात के 11 बजे, और यहाँ पे कोई एक ढाबे पे रुके हम अभी डिनर के लिए, और यहाँ से उदयपुर और लगेंगे 5 घंटे, 5-5:15 बजे पहुँच जाएंगे उदयपुर, क्योंकि जोधपुर से उदयपुर है लगभग 300 किलोमीटर। अभी करता हूँ मैं डिनर यहाँ पे, और मिलते थोड़ी देर में।
उदयपुर पहुंच गया हूं मैं अभी। अभी बजे सुबह के 5:30 और मैं अभी हूँ ये उदयपुर का कोई उदयपुर सर्कल करके कोई है, यहाँ पे बस वाले ने छोड़ दिया, लास्ट स्टॉप है ये। यहाँ से मैंने अभी उबर बुक की है मेरे होटल के लिए। शालोम बैकपैकर का कोई हॉस्टल है, वहाँ पे मैंने प्राइवेट रूम बुक की है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है वो, लेक के पास ही है वो। अब उबर आएंगे, वहाँ बैठ के जाएंगे अपने हॉस्टल। ऐसा कुछ सीन है सुबह 5:30 बजे का। मैं पहुंच गया मेरे होटल के पास। ये है मेरा होटल मेरे पीछे। इसको रिक्वेस्ट करता हूँ अर्ली चेक इन के लिए। फ़ोन नंबर्स दिए हैं यहाँ पे बोर्ड पे, इनको कॉल करना पड़ेगा। जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ शालोम बैकपैकर हॉस्टल, इसके ऊपर एक रूफटॉप उनका रेस्टोरेंट भी है, इन हाउस। उधर सी व्यू वगैरह मस्त आ रहा है लेक का। दिखाता मैं आपका कैसा दिखता है ऊपर का, ऊपर से व्यू और रेस्टोरेंट। ये है उनका रेस्टोरेंट। ऐसा कुछ है बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट। और ये साइड थोड़ा बाहर जाऊंगे तो ये साइड भी है उनका रेस्टोरेंट। सीटिंग अरेंजमेंट मस्त की है इन्होंने, ये देखो पूरा राजस्थान स्टाइल एकदम बैठे हुए, पूरा बैठक बनी है। यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर भी है उनका ऊपर। अभी चलते हैं रूफटॉप। ये उनका रूफटॉप कैफे ऐसा दिखता है। ये साइड भी है और ऊपर भी है, यहाँ से जाना पड़ेगा सीढ़ी से ऊपर। और ये है लेक का व्यू पूरा यहाँ से। देखो वो साइड मेरे को दिख रहा है ताज का जो होटल है वो वाला, वहाँ पे पूरा पहाड़ है, शायद बाहुबली हिल्स है या आरलिया हिल्स है, तो ऐसा कुछ व्यू है ऊपर से, पूरा सिटी व्यू आता है। और यहाँ पे घाट वगैरह है उधर से। यह है व्यू सबसे टॉप में से, जो हॉस्टल्स के टॉप से ये व्यू आता है टेरेस से। ये देखो ये साइड है सिटी पैलेस, वो दिख रहा होगा आपको। वहाँ पे जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ऐसा कुछ व्यू आता है ऊपर से। तो ये है लेक पिचोला। अभी मैं जो मेरा हॉस्टल है उसके पास में जो गली है वहाँ पे घूम रहा हूँ। पीछे जाऊँगे तो सिटी पैलेस है, जगदीश टेम्पल है, और ऐसे आगे आगे घूम रहा हूँ अभी, क्योंकि चेक इन का टाइम अभी होने का है। 1 बजे है, 1 बजे चेक इन, अभी कुछ 10:30 या 10:15 बजे। तो ऐसा कुछ मार्केट है, मार्केट 10 बजे खुलता है इसलिए कुछ ओपन नहीं हुआ है। मेरे पीछे कुछ घंटाघर है, आपको दिखाता हूँ अभी। छोटे छोटे टेम्पल्स बहुत है यहाँ पे। अभी ये एक टेम्पल है, कल क्या टेम्पल है अभी एक नाम दिख नहीं रहा है मेरे को, जैनेश्वर कुछ है, ये भी टेम्पल है। देखो एक टेम्पल लगा, एक टेम्पल है डाकोर जी श्री लक्ष्मी नारायण जी टेम्पल, ये भी एक टेम्पल है स्वरूप तेज बिहारी जी का। और ये साइड देखोगे तो ये है जगदीश टेम्पल, यहाँ का मेन टेम्पल। और यहाँ से जाते हैं सिटी पैलेस के लिए। अभी चलते चलते यहाँ पे गनगौर घाट करके वहाँ पे चला जाता हूँ, अभी वो देख लेता हूँ। यहाँ पे आया हूँ मैं अभी गनगौर घाट लेक के किनारे पूरा, ये अंदर जाके चलते हैं अभी। अभी म्यूजियम भी एक है देखो, बागोर की हवेली, उधर भी जा सकते हो। अपन चलते हैं घाट के अंदर।
फोटोशूट के लिए बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, शायद फोटोशूट करते भी होंगे यहाँ पे, पूछना पड़ेगा। अच्छा है सीन, वाओ। ये पूरा है लेक पिचोला, मस्त व्यू आता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे सब प्री वेडिंग चालू है, कम से कम 20 से 25 कपल है घनघोर घाट पे। रूम मिल गई अभी, चलो करते हैं अभी चेकिंग। ऐसी कुछ है रूम, ऐसी कुछ है रूम। यहाँ पे बेड है और यहाँ पे टीवी वगैरह है, और बैठने के लिए मस्त जगह यहाँ पे। ठीक ठाक व्यू है, सिटी व्यू है। ये साइड वॉशरूम है, सब कुछ वॉशरूम है।